हे गाइस हाउ आर यू ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाकिफ बाबा के अंदर। गाइस जैसा कि आपको पता है कि हम लॉकडाउन लर्निंग के नाम से सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसकी 5 वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। ये 5 और 6 6th वीडियो है। ओके, तो आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आइए डिस्कस करते हैं आज के इडियम्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स। फर्स्ट इडियम है बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब ऐसा पीट देना कि आदमी काला नीला हो जाए। मतलब सिंपल सी बात है कि दया हीनता के साथ पीटना, मतलब बहुत बुरी तरीके से पीटना। सिंपल मतलब ये बहुत बुरी तरीके से पीटना। अब एक बात बताओ, लॉकडाउन चल रहा था, लोगों को बोला था घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन घर से बाहर लोग निकले और चौराहे पे खड़ी थी पुलिस, और पुलिस ने जो डंडे बरसाए हैं, फिर घर पे आए और घर पे जब उनकी चाल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, घर वालों ने आके पूछा कि भाई क्या हो गया आपको, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने हमको बीट कर दिया ब्लैक एंड ब्लू, मतलब काली और नीली नील पड़ गई ना पूरे शरीर पर। तो ब्लैक और ब्लू तो नील होती है ना, जो शरीर पर पड़ जाती है, कई बार मन लग जाती है तो स्किन कैसी हो जाती है, काली नीली कलर की हो जाती है। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, उन्होंने हमको काला नीला पीट दिया, मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस मतलब बिस्तर और बिस्तर के ऊपर गुलाब, मतलब कितना मजा आएगा सोने में, है ना, कितनी कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है, बहुत ही कंफर्टेबल आरामदायक सिचुएशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अब जैसे बेड ऑफ रोजेस था, वैसे यहां पर क्या लिखा है, बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। अब एक बात बताओ, एक तो आप गुलाबों के ऊपर सो रहे थे, अब गुलाब से हटाकर आपको कांटों पर सुला दिया, अब आपको कैसा लगेगा, बड़ी है ना अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, बड़ी समस्या आएगी आपको सोने में, तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। बेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। आपने कहा हो तो सुनी होगी कि ज्ञान सब लोग देते रहते लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, मतलब रिस्क कौन ले। बिल्ली ऐसे कोई छोटा मोटा जानवर तो नहीं है कि तुम बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाओगे वो कुछ नहीं करेगी, पंजा मार देगी, जाके देखना। तो मतलब क्या, रिस्क उठाना, सिंपल सी बात है, रिस्क उठाना। तो बेल द कैट का मतलब क्या है, रिस्क उठाना। ओके, अगला देखते हैं। बैगर्स डिस्क्रिप्शन, बैगर का मतलब भिखारी, डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन। एक बार हुआ क्या कि मेरे घर के सामने से कोई बैगर जा रहा था, तो मैंने उसको खाना दे दिया, तो आगे जाके बोलने लग गया कि वो देखो वो तो ऐसा खाना देते हैं मुझे, ऐसा वैसा पैसे भी नहीं देते मुझे, कई बार मांगता हूं तो, और बेकार खाना दे दिया, मेरा पेट खराब हो गया, ऐसा वैसा। तो वो पड़ोसी मेरे पास आया कि वो ऐसा बोल रहा था, आपने कुछ दिया क्या ऐसा खाना दिया। मैंने कहा कौन बेकार था, वो कौन, कैसे दिखता था। तो पड़ोसी बोल रहे कि सारे बेकार एक जैसे दिखते हैं, उसका कोई वर्णन थोड़ी है कि भाई उसके बाल स्ट्रेट हो या काली पीली शर्ट पहनी उसने, येलो कलर की पैंट पहनी, तो कोई वर्णन नहीं है उसका। तो बैगर्स डिस्क्रिप्शन, बैगर का वर्णन नहीं किया जा सकता, बस सिंपल सी बात है। जैसे साधारण आदमी तो बोले कि भाई हाँ ऐसे बाल बनाता है वो, ऐसे शर्ट पहनता है। अब बैगर क्या, कहीं तो बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं, कहीं हाथ में झोला लेके घूमते रहते हैं, तो उनका कोई वर्णन नहीं है। तो बैगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या, अ पर्सन विथ नो रिसोर्स, है ना, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, ये मतलब है इसका, बैगर्स डिस्क्रिप्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 5 इडियम्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो और मिलती रही इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।